तरफ हुई बरसात ने जहां मौसम में एक और ठंडक ला दी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए ये बरसात आफत बनकर बरसी है। बरसात के कारण खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो दूसरी तरफ अनाज मंडी में सुविधाओं की कमी के कारण जो फसल अनाज मंडी में बिकने के लिए गई थी, वो भी खुले में पड़े होने के कारण पूरी तरह से भीग गई, जिसका खामियाजा केवल किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। पशु खान लग रहे थे, यहाँ कोई इंतजाम नहीं करके इन्होंने, और ये क्यों बेचने लग रहा है, इसलिए जल्दी से खरीद की जाए, क्योंकि कच्चे में पड़ी है जी। इनका भी क्या कसूर, बेचारे किसान बैठे तीन चार दिन से, चार पाँच दिन से डाकल गाँव के किसान यहाँ बैठे, मैं देख रहा हूँ इनको, और आवारा पशु यहाँ आवारा ये इसको गेहूँ को खाने लग रहे हैं। ये नुकसान है इनका भी, ये नुकसान किसान का है, सरकार का नहीं है। बेमौसमी बरसात और तेज हवाओं ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वहीं बरसात के कारण फसल के बर्बाद होने से परेशान और चिंतित किसानों का कहना है कि बरसात के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज यहाँ भी मैं रैंडम चेक कर रही हूँ सभी ढेरियाँ, जिनका 12 आ रहा है, तो हैफेड खरीद करेगी यहाँ, नहीं है पर बाल लगे हुए हैं। और हमने और आवारा पशु उसको खा रहे हैं, वो विजुअल भी हमारे पास कैमरे में कैद है कि आवारा पशु उसको खा रहे हैं। हम हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान करके देख रहे हैं, और जो बीज रहा है बीजनिंग से एक तो शेड है हमारा प्रॉपर, और तरपाल भी लगी हुई है, मैंने कई ढेरियाँ देखी है यहाँ पर, और जहाँ बेसहारा पशुओं की शिकायत कर रहे हैं हम इसको। किसानों को इस बरसात के कारण दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।